जो शब्द आपके सामने बोलूंगा और उसके बाद मुझे पब्लिक मीटिंग को भी जाना है, तो इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हमारे प्रसाद हरिचंदन एक्स सीसी, विक्रम मल्लू जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, बहुत सीनियर लीडर है, देन सिबंद रॉय वाइस प्रेसिडेंट, विश्वरंजन मोहन, यासीर नवाज और दूसरे मेरे साथियों, समय की कमी होने से सभी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप भी जरा गुस्से में होंगे, मैं दो शब्द बोल अपने। एक तो क्या है कि भुवनेश्वर ये बहुत ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्टेट है, अनेक नेता आए हैं और उन्होंने देश की सेवा और आजादी के वक्त भी यहाँ पर जो नायक मिला, तो इसीलिए आजादी हासिल करने में कामयाब हो गए। तो ऐसा एक महत्वपूर्ण स्टेट है, ऐसे जरा जो कांग्रेस को और यहाँ पर पटनायक जी 24 वर्षों के कार्यकाल अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन दिन काम करने के बाद और उन्होंने साथ काम किया वो भी कम से कम साल से मोदी जी के साथ ही है, इस के लिए एक होकर काम कर रहे हैं। हम पहले सोचे वो अब उनका एक दूसरे जो ओपनली झगड़ा चल रहा है मालूम होता है कि हमारे एक होकर अपने तख्त की हिफाजत करने के लिए जो कुछ, लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं हुआ। अब आमतौर पर यहाँ भीषण बेरोजगारी, दूसरा बेतहाशा महंगाई, आपको तो मालूम है देश महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और यहाँ पर भी और भी महंगाई ज्यादा है। पहचान मजदूर राज्य के रूप में जाना जाता है, वो सब ये लोग यहाँ पर और यहाँ के बड़े बड़े कारखाने बनते हैं, बड़े बड़े यानी एम्प्लॉयमेंट के जो आसार बाहर दूर करना, तो सरकार
ओडिशा पहचान एक भ्रष्ट सरकार के रूप में है, तो इसीलिए हम जो बीजेपी को वक्त जो उन्हें लोगों ने जो चांस दिया शायद अब इस बार लोग देने वाले नहीं है, और इसके लिए बीजेपी और बीजेडी दोनों बराबरी के रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरा, युवाओं में भीषण बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन इधर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हम अभी हमारे सात जो नेता आए थे से पूछताछ करने के बाद यहाँ कम से कम 41% ILO रिपोर्ट के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, तो फिर साल एक आदमी एक जगह एक स्थान पर अगर बैठता है, अपने लोगों की चिंता अगर नहीं करता, 41% अनएम्प्लॉयमेंट रखता है और फिर भी लोगों से वोट पूछते हैं, तो किस मुंह से वोट पूछते हैं मुझे समझ में नहीं। और इनको साथ बीजेपी तो और भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ के लोगों को अलग ढंग से उन्होंने बोलकर अपने मदद करने का, और यहाँ पर कोई मदद ही नहीं किया, उनके मिनिस्टर के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर और दोनों मिलके इस अपने उड़ीसा का एक क्या कहूँ कि उड़ीसा को बर्बाद करने में इन दोनों का, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार गठबंधन की सरकार, हम जो एक लड़ाई ये तो लड़ाई इसके लिए है डेमोक्रेसी को बचाने, संविधान को बचाने के, इस देश को रखने के लिए, हेट स्पीचेस करके समाज में जो डिवीजन कर रहे हैं मोदी साहब, उसके भी हमारी लड़ाई। ये बहुत से माइनिंग और अदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है कि यहाँ पर बहुत लूट हो रही है, बड़े बड़े जो भी प्लांट्स बने कुछ भी बने तो पहले के हैं, इनके तो कोई इसमें ऐसा नहीं है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आदमी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपने राज्य के हित में काम करना।